पहले काम निकला था एमएम वैली कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी भरने का, वो काम को मैंने रोका था और उसकी वजह यह थी, लेटर देखे कि काम सही तरीके से होना चाहिए और प्लानिंग के साथ होना चाहिए, भले उसको दो फेजेस में कीजिए बट परमानेंट सोल्यूशन के साथ कीजिए। तफ्तीन करते वक्त पानी निकल रहा था, उसकी आवाम की शिकायत थी, एनजीओ की शिकायत थी, सियासती प्लेटफॉर्म पे उसकी मुखालिफत अलग अलग हुई, मट्टी भरने वाले ने और उसकी मुखालिफत करने वाले में व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो मैसेजेस भी बहुत आए थे, आवाम के बीच में घूमे थे। तो उस सिलसिले में मेरे को लगा कि अब जो ये कामों को सीधा करने के लिए तवज्जो देनी पड़ेगी और कॉरपोरेशन के अंदर जो नया टेंडर को जिस शक्ल में उसको काम किया जाएगा, वो प्लानिंग की मीटिंग मेरे पास हुई थी, सिटी इंजीनियर ने कबूल किया अपने सब चीज़ों को और उसको दुरुस्त करके नया टेंडर निकाले, आज वो टेंडर को मंजूरी मिली। इसके लिए आज इंजीनियर्स के साथ और आवाम के कुछ जिम्मेदार जो मेरे टच में थे कब्रिस्तान की फिक्र को लेकर, उनको दिखाया था कि कैसे ये मसला हल होगा और किस शक्ल में ये काम होगा, जिसके जरिए काम होते वक्त ठेकेदार अपनी लालच उसकी भरती है तो ठेकेदार चोरी ना करे और काम सही तरीके से हो। लेकिन सर शुरुआती दौर से ही जब से कब्रिस्तान पास हुआ, इसका प्रस्ताव हुआ, ये कब्रिस्तान काफी विवादों में घिरा रहा, इसको लेकर कई बार लेटर्स डाले गए, कई दूसरे अन्य पार्टियों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन हुए, सभी कुछ आपके सामने थे, तो तब नजीब मुल्ला कहाँ थे, ये सवाल लोगों में रहेगा, क्या कहेंगे आप उस साल से? ऐसा उस दिन पार्टी के सब जिम्मेदार अलग थे, अब पार्टी की जिम्मेदारी हमारे पास है, उस वक्त कदम रखे तो आप नहीं फोन आ जाते थे यार क्यों मुमरा कौसा जा रहा है, बाकायदा मुझे कौन करता था, कौन करता था वो तो है ना, हमने तो स्टेज पे से कहा है अभी यहाँ बोल रहे हैं, स्टेज में दुखता था तो नहीं आते थे। अब मामला ऐसा है कि बहुत सियासत उस कब्रिस्तान पे हो गई, जितना वो कब्रिस्तान लाने का क्रेडिट लेना था वो हजार गुना ज्यादा क्रेडिट आपने ले लिया। अब हमको हमारे आखिरत के जो मसले हैं उसको हमको हल करना है, वो मसले हल करने के लिए मैं आया और मैं आते रहूंगा, जहां जहां गलत काम होगा, जहां जहां पैसा फजूल में चलेगा उधर हम सही तरीके से काम करेंगे। आप तवज्जे से काम करते, प्लानिंग से काम करते, स्टडी करके काम करते तो लोगों को सियासत करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि आखिरत की जगह को देखते हुए आप यहाँ ये सियासत के तौर पर नहीं आए, आप यहाँ पर मैं कोई भी काम आवाम के मसले को हल करने के लिए आता हूँ, मुझे मीडिया से ज्यादा आवाम के मसले हल करने में ज्यादा खुशी है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और क्रेडिट लेने से ज्यादा आवाम के मसले, जो मसला जिसने बताया उसको मुतमईन करना है, वहाँ के आवाम को मुतमईन करना है, उनको पता है उसमें मैं खुश हूँ। आज जो आपने मुआयना किया, निरीक्षण किया, तो क्या क्या नजर आया? मुआयना पहले ही हो चुका था, आज जो कल से काम या कुछ दिनों में काम शुरुआत होने वाली, दो तीन रोज में वर्क ऑर्डर दी जाएगी, तो काम किस शक्ल में होने वाला है, मट्टी कैसे आने वाली है, पत्थर कैसे नहीं आएंगे, उसके ऊपर कैसी तवज्जो दी जाएगी, बारीक रेत जिससे तफ्तीन के अंदर डिकम्पोजिशन जल्दी होगा वो मट्टी कौन सी आएगी, कंपैक्शन कैसा होगा, दीवार कितनी ऊपर उठी जाएगी, इंजीनियरों के साथ जिम्मेदारों को बताने के लिए आया था, जिसके जरिए कल से जब काम शुरू होगा तो वो जिम्मेदार जेरे निगरानी के जरिए काम में चोरी ना हो वो तवज्जा दे और जो काम की दिक्कतें आ रही है वो काम मुकम्मल तौर पे आवाम को उस चीज आपकी पूरी नजर रहेगी उस पर। दो चार दिन में काम भी चालू शुरुआत करेंगे काम की, ऐसा है कि वर्क ऑर्डर की फाइल आज शाम में पहुंच जाएगी, उसके बाद में लेटर ऑफ इंटीमेशन, वो बैंक गारंटी देगा, सात आठ दिन का तो रहता है, इंजीनियर्स को हमने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बुला के जल्द से जल्द वो काम पूरा करें।